15 जून के बाद प्रवेश करेगा, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून के तहत बारिश हो रही है। इसी कड़ी में इंदौर शहर में भी आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी 19 या 20 जून तक सामान्य रूप से मानसून इंदौर शहर में प्रवेश कर जाएगा। वहीं बीते दिनों हुई बारिश के बाद आगामी 2-3 दिनों में इंदौर शहर व जिले में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। उन्होंने किसानों को आगाह किया कि आगामी समय में वह बोनी के लिए तैयार रहें ताकि मानसून आते ही उसका फायदा ले सकें। केरला में आ गया था 1 जून को और उसके बाद ये अभी आगे बढ़ रहा है और आज तक 24-48 घंटे के बीच में बंगाल और महाराष्ट्र तक पहुंच जाएगा, उसके बाद हमारे इधर आने की संभावनाएं हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी जो हमें मालवांचल है या हमारा इंदौर वाला क्षेत्र है या आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर हमें प्री मानसूनल रेंज प्राप्त हो रही है। आज भी जैसे कि कल भी हमें कुछ बारिश प्राप्त हुई, आज भी बारिश की संभावनाएँ बनी हुई हैं और हो सकता है कल भी कुछ बारिश हो, उसके बाद 1-2 दिन खुल सकता है, उसके बाद पुनः बारिश की संभावना है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें लगातार बारिश की स्थिति बनेगी और जो हमारा नियत समय है ऑनसेट ऑफ मानसून का 17-20 जून के आसपास यहाँ पर ऑनसेट ऑफ मानसून होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कृषक बंधुओं से कि वे अपने जो खरीफ की फसलें हैं जिनकी उनको बुवाई करनी है उसकी पूरी तैयारी रखें और ख़ासतौर से सोयाबीन और मक्का वगैरह की ज्वार की जो उनको बुवाई करनी है वो समय से करने की पूरी कोशिश करें, खाद बीज और अन्य सामग्री तैयार रखें। सर पिछली बार